हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी में एक बार ऐसा टाइम आ ही जाता है जब उसे डिसाइड करना ही पड़ता है कि उसके लिए सीआईडी जरूरी है या एक दोस्त। चलिए आज मैं दोस्त को कुर्बान कर दूंगा। एक दो को तो टपका दिया है, वो भी नहीं बचेगा। मारेगा ना गोली? हाँ मारूंगा, दिख जाएगा तो गोली मार दूंगा दया को। हेलो, हाँ हाँ जाड़ियो छे, अल्या एक बार कहू ने जाड़ियो छे, दया दया नाम छे नो। दूर थी गोली मारी दे डफोड़। हाँ हाँ गोली मारी दे, आ मारो ऑर्डर छे, एसीपी रणछोड़ राणा नो हुकुम छे। ये जरा पकड़ना। कहाँ ये दया? बोरा दया, एक मिनट क्यों में यहाँ कैसे? और इसके साथ में कौन है? और क्या? स्मिता
स्मिता स्मिता स्मिता स्मिता स्मिता स्मिता क्या हुआ? रशिया को जिंदा देखना चाहते हो तो हमें काला चमगादड़ लाकर देना होगा। डिजाइनी पोल पर ठीक 3 बजे दिखेगा वो चमगादड़ तुम्हें। तो सौदा करेगा तू मेरे साथ? बेटा एक बार हाथ में तो आ जा। बोला था अकेले आना, ले आ गया। अब बोल। होशियार है। होशियार भी और खतरनाक भी। सुना है तुम्हारे बारे में, मगर तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे नहीं। हाँ ठीक है ठीक है। ये बता दया कहाँ है, मालूम है? नहीं मालूम। अरे फिर क्यों टेढ़ा हो रहा है, है? तुम लोग कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर सकते। दया पे ही गोली चला दी। हाँ चला दी। तीन तीन खून करके भागा है। कर क्या रहा है? ये दया यहाँ पे कर क्या रहा है? सिक्किम जाओ, दार्जिलिंग भी जाओ। अब मैं दार्जिलिंग जाऊँ? हाँ। देख, तू तो होशियारी नहीं समझा। अहमदाबाद में एक रास्ता है जो सीधा सिक्किम जाता है, सीक्रेट। अच्छा, और दार्जिलिंग का भी है? अहमदाबाद से सिक्किम 0 किलोमीटर। अहमदाबाद से सिक्किम 0 किलोमीटर? हाँ, और दार्जिलिंग भी 0 किलोमीटर। जहाँ पे ये जगह है वहाँ पे जाओ कल सुबह। कल मकर संक्रांत है, अच्छा दिन है। कल दोपहर 3 बजे एक बैट निकलेगा चमगादड़। उस बैट को पकड़ो, उस बैट को पकड़ो, समझे? वो सब कुछ बोल देगा। बैट बोलेगा? पहले उसे पकड़ो तो सही। जाओ। 3 बजे। 10 बार सोचना चाहिए था अभिजीत, दया पर ऐसे ही गोली चलाने की जरूरत नहीं। सर, तीन तीन लोगों को लुढ़का दिया उसने। मेरा दिल नहीं मानता अभिजीत। सर, दिल की आवाज नहीं सुननी चाहिए। नहीं, ऐसा आपने ही बोला है सर, कई बार बोला। हाँ ठीक है, बोला है मैंने तो। अरे सर, अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? जोयो नहीं, ये वो दुम दबाए ना भागे क्यों? कोई नहीं, बाइक पर बैसी ना। बाइक? बाइक थी आस पास? हाँ, लाया एकलो ना थी, इन्हें साथ एक गैंग से गैंग। कोई दिवस नहीं था, दया इतना नीचे गिर ही नहीं सकता। हाँ, लो, आवे क्यों तुम्हारो सिक्किम, जोय लो, गैंग टॉक 0 किलोमीटर। तो ये है सिक्किम 0 किलोमीटर, दार्जिलिंग 0 किलोमीटर। उसने बोला था यहाँ पे बैट निकलेगा, बैट बोलेगा। यहाँ अंदर जाके टेरिस पे चढ़ जाओ, आज सारा शहर तुम्हें टेरिस पे मिलेगा। आज मकर संक्रांत, मकर संक्रांति के दिन तो आसमान में पतंगी पतंग दिखेगी, बैट कहां से आएगा? सर कुछ तो है, कहीं ना कहीं से तो आएगा वो बैट सर। नहीं तो आदमी भूलता नहीं सर। दया का पता लगाना बहुत जरूरी है सर। ये दया और श्रेया दोनों एक साथ गायब हो गए। ये अभिजीत कहीं दोनों का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। दया मुझे बिना कुछ बताए ऐसा कुछ करेगा नहीं सर। पर ये कहाँ जाके छुपा हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा है सर। देखो कुछ भी हो जाए मुझे वो बैट चाहिए।
मगर दया भाई वो बेट आएगा कहाँ से? आसमान से आएगा, और कहाँ से आएगा? बेट दिन में थोड़ी उड़ा करते हैं दया भाई। कम से कम अहमदाबाद में तो नहीं देखा। ये वाला बैट उड़ेगा, दिन में उड़ेगा और जरूर उड़ेगा। तुम लोग अपनी आंखें खुली रखो। जिस किसी के हाथ से ये बैट निकल गया उसे यही का यही गोली मार दूंगा मैं। मगर सम्राट भाई ये बैट है कहाँ? मेरी जेब में है, निकाल ले। सॉरी भाई सॉरी। अबे गधे लो, बैट आसमान से ही आएगा ना, और कहाँ से आएगा? हाँ समझ गया भाई समझ गया। यस सर। तीन बजने को आए और अभी तक बैट नहीं दिखाई पड़ा और तुम पतंग उड़ाने लगे हो। सर 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 आप उड़ाएंगे? आप उड़ाइए। मुझे पतंग नहीं उड़ानी है अभिजीत, मुझे बैट चाहिए बैट। यस सर बैट देख रहा हूँ सर। बैट है का? ये बैट आ क्यों नहीं रहा? बैट आ गया। बैट आ गया। दया भाई काट दो इसे, काट दो। इधर लाओ। अभिजीत ये लाल वाला पतंग उसके पीछे पड़ा है, अब लगा दो तुम्हारा बाज उसके पीछे। यस सर। लगा। ये बाज कहां से आ गया? खींच, अरे नीचे से खींच। काटो अभिजीत, खींचो। गया आपसे अभिजीत, ये बैट तो कट गया। अरे सर बैट क्या, बैट का बाप भी हाथ से नहीं जाएगा सर। बचपन में बहुत पतंग उड़ाई है मैंने। एक मिनट अभी लपेटता हूं मैं उसे। अबे कधेड़ो, लो 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 अभिजीत लो। अरे दया भाई बैठ गया। श्रेया की जान ली, अब करूं क्या मैं? चिंता ना करो दादा, हूँ जो छू।
श्रेया। मुंबई थी क्या रे आवी? बधु बराबर तो छे ने? मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। आज सवार ना जावी रेखा। एक्चुअली दादा दादी को कुछ लोग कुछ दिनों से परेशान कर रहे हैं। अरे तो उन्होंने हमसे क्यों नहीं कहा? शायद वो आपको परेशान नहीं करना चाह रहे थे। उसमें क्या तकलीफ? पहले पड़ोसी फिर रिश्तेदार, हम कब काम आएंगे? तुम टेंशन मत लो, तू दादा दादी पासे बेस, हूँ जो छू। थैंक्स रेखा। हर्षुक भाई, सुशील भाई, जरा साथे आवजो। दादा शुं वात छे? तमे मने कही शको छो? बेसो त्यां, चलो आराम से बैठिए। पहले मैं हूं ना यहां पे, फिर आप दोनों क्यों डर रहे हैं? हाँ, मैं एक सीआईडी ऑफिसर छू। अच्छा आप ये बताइए कि वो लोग कौन है, क्यों परेशान कर रहे हैं आप दोनों? खबर नहीं श्रेया, लेकिन ये लोग अपने नाक में दम कर रखा है। दादी कोई तो बात होगी ना, याद करके बताइए ये सब कब से हो रहा है, कैसे शुरू हुआ? श्रेया दिकरा, कुछ दिन पहले की ये बात है। मैं मंगलवार को रात को घर आ रहा था कि मैंने देखा शुक्र हो जा, भागो भागो इधर, भागो भागो। उसी दिन से ये सब झंझट चल रहा है। पता नहीं उस दिन रात को वो लोग कुएं के पास क्या कर रहे थे। रात को वो लोग कुएं के पास क्या कर रहे थे? दादा
लादी, लाला, लाला, तब मैं बराबर चोर, कोड़ा था ये लोगों, कोड़ा था ये लोगों। मैं बहुत डर लगता है, अबे मैं तेरा हूँ। बेटे, कुछ कुंड है, और जबरदस्ती कुंड क्यों, और मैं मार रहा हूँ। मुझे 24 घंटे दीजिए, प्लीज मुझे सिर्फ 24 घंटे दीजिए। मुबत तो संभाल ले, सब संभाल लूँगी मैं। क्या लगता है? आश्रया बोलो। सर, I'm really sorry. इतनी रात को मैं आपको परेशान कर रही हूँ। लेकिन मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ सर। श्रेया, क्या हुआ? क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? सर मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ अहमदाबाद में मेरे दादा दादी को कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, और मैं भी अभी अहमदाबाद में ही हूँ सर। अहमदाबाद? तुम वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को कॉन्टेक्ट करो, वो फौरन पहुँच जाएंगे। लेकिन सर, दादा दादी ने लोकल पुलिस को भी कांटेक्ट किया था, मगर वो गुंडे तभी अटैक करते हैं जब कोई पुलिस आसपास नहीं होती है। तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है आशीष, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और इस समय अहमदाबाद में ही है। मैं उसे फोन करता हूँ, वो तुम्हारे घर पहुँच जाएगा, और मैं भी अहमदाबाद आ जाता हूँ। ओके, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। समझ में नहीं आ रहा, अचानक श्रेया और उसके दादा दादी कहाँ चले गए? हाँ, मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि रात को जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ ताला लगा हुआ था। यही बात मुझे खटक रही है, अगर उन लोगों को कहीं बाहर जाना भी होता तो श्रेया मुझे फोन जरूर करती। मैंने उसका फोन ट्राई किया, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आशीष, मुझे लगता है ये लोग किसी मुसीबत में है। यहाँ जरूर हाथापाई हुई है, देखो सारी चीजें बिखरी पड़ी है। ये कौन है? ये स्केच श्रेया ने तो नहीं बना? कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जो उन्हें परेशान कर रहा? आप लोगों को कुछ पता है कोई उन्हें परेशान कर रहा था? हाँ सर, पहले अंकल आंटी पुलिस बुला भी थी। कौन थे वो लोग, कुछ पता चला था? नहीं सर, 2 रात तक पुलिस यहाँ रुकी भी थी, पर तब कोई परेशान करने नहीं आया, पर जैसे ही पुलिस वाले गए वो लोग वापस चालू हो गए। कल रात यहाँ पर कुछ हुआ था, आप लोगों ने कुछ देखा था? श्रेया कल रात बहुत परेशान थी, और अंकल आंटी पे भी किसी ने हमला किया। बुजुर्ग लोगों पे हमला किया? लगता है वो लोग यहाँ किसी चीज को ढूंढने के लिए आए थे। क्या चीज हो सकती है वो? अच्छा, जरा ये स्केच देखिए, इस आदमी को देखा है यहाँ? पहचानते हैं? नहीं सर। किसी ने देखा इसे? आप क्या करें दे, कहाँ ढूंढे उन लोगों को? आशीष, ढूंढना तो होगा, वो भी जल्द से जल्द। श्रेया किसी कुएं के बारे में बता रही थी,
अक्खा भगत के पुतले के पास। अक्खा भगत का पुतला? हाँ? वो यहाँ बाजू में छे। चलो हूँ तुमने ले चल। आई सर, वो रहा पुतला। अक्खा भगत बहुत बड़े कवि थे, यहाँ के लोग के चहिते कवि। उनके सम्मान में ये पुतला बनाया गया था। लगता है इसी कुएं में वो चीज छुपा के रखी गई होगी। लेकिन दया, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद वो चीज यहाँ से ले गए होंगे। और शायद इसी चीज की वजह से श्रेया और उसके दादा दादी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो चीज क्या हो सकती है? अब ये तो वही आदमी बताएगा जिसका स्केच हमें मिला था श्रेया के घर से। उसे ढूंढना होगा। मेरे जान पहचान का एक खबरी है, शायद उससे कुछ पता चल जाए। चलो। इस आदमी को यहाँ क्यों बुलाया मिलने के लिए? इससे तो कहीं भी मिल सकते थे। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई। मैंने समझाया उसको कि अब मैं पुलिस में नहीं हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे उसे बताया कि दया आने वाला है, बोला कि सबके सामने नहीं मिलेगा। क्यों? कहने लगा खतरा है। मेरे से मिलने में खतरा है? नहीं, तुमसे नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, उससे खतरा है। एक मिनट। उसे कैसे पता चला कि मेरे आसपास क्या हो रहा है? कहीं ये भी मिला हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, ये तो एक छोटा मोटा चोर उचक्का। लेकिन क्या ना कि छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी ये पता रहता है कि आसपास के गैंग क्या करते रहते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि जब मैं किसी के पीछे पड़ जाता हूँ तो तूफान भी मुझे रोक नहीं सकता। और इन बदमाशों को तो मैं तहस नहस करके ही छोड़ूंगा। कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ? ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। सर, मुझे बुलाया? दे आराम से। तुझे पता कैसे चला कि मेरे आसपास क्या हो रहा है? हाँ, उल्टे उल्टे पता चल गया। अब कल पॉकेट मार पकड़ा गया था तो उसे मिलने गया था, तो उसी ने बताया कि इंस्पेक्टर दया यहाँ आया हुआ है। फिर कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। वो तो आशीष सर ने बोला कि दया सर से मिलना है, मैं भूल गया था तो याद आ गया ऐसा ना। जरा स्केच देख, इसे पहचानता है? ये पक्का है सर, ये भी छोटा मोटा चोरी है। कहाँ मिलेगा ये, मालूम है? हाँ सर, ये पोल में घूमता रहता है। मैं पता करके पक्का बता सकता हूँ कि वो किधर मिलेगा सर। अच्छा, देख, अगर तू अपनी हड्डियां सही सलामत चाहता है तो गायब मत होना, और आज शाम तक मुझे बता दे ये पक्का कहाँ मिलेगा, है ना? नहीं तो तू जहां जाके छुपेगा जो वही आके मारूंगा। हैं? जी सर। पक्का यही मिलेगा? हाँ सर, तीन चार बार मैंने उसे यहाँ पे ही देखा है। तो क्या कोई जवाब देना होगा कि श्रेया और उसके दादा दादी कहाँ गए? दया यार, देखना कोई गलत काम मत कर बैठना, हाँ प्लीज। मतलब जो कुछ हुआ वो सही है, तीन लोग किडनैप हो गए वो सही है? नहीं यार, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, वो भी गलत है, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। जवाब मैं पक्या के मुर्दे के मुंह से भी निकलवा के रहूंगा। सर, हो रहा। इनमें से कौन है? सर, वो रेड टी-शर्ट वाला। पक्या, अबे रुक।
नीचे पक गया, बाहर करूंगा। चुपचाप खड़े हो जाओ और हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर करो। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं। मेरी बात सुनो, मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। बहुत खतरनाक है, भूल मत। गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। उधर श्रेया मरने वाली है और यहाँ भी मुसीबत। क्या करूँ, क्या करूँ मैं? क्या सुन रहे हैं हम लोग? वही जो मैंने सुना अभिजीत, दया ने तीन खून कर दिए अहमदाबाद में। तीन खून? मगर ये दया अहमदाबाद गया कब सर? वही तो, ये दया अहमदाबाद गया कब और फिर अहमदाबाद गया ही क्यों, और वो भी बिना बताए। सर मामला तो सीरियस हो गया है, ये क्या कर दिया दया ने सर? अहमदाबाद जाना पड़ेगा। देखो आशीष, दया तुम्हारा दोस्त है इसलिए मैं आराम से बात कर रहा हूँ, समझे? देखिए आपका इस तरह से बात करना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझे। मैं तो क्या करूँ, मर्डर का मामला है, तीन तीन खून हुए हैं, समझे? सो अभिजीत सर दया सर के दोस्त आशीष को लेकर आ रहे हैं। अहमदाबाद पुलिस को पूछना पड़ेगा कि उन्हें हमारी मदद चाहिए क्या, क्योंकि वही जानते कि दया ने क्या किया है। सब सही है, आशीष भी तो थे दया सर के साथ। अरे तभी तो अभिजीत उसे लेकर आ रहा है यहाँ पर। आइए चलिए, आशीष। सॉरी सर, आपको यहाँ तक आना पड़ गया। दया का मामला है, हम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? तो मैं लिहाज कर रहा हूँ, तुम दया के दोस्त हो, नहीं तो? नहीं तो क्या, गलत आवाज हो गया मेरा? करने को मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मिस्टर आशीष, सच क्या है ये पता लगाना जरूरी है। हाँ तो जानिए ना। हाँ तो बताइए ना, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि दया ने तीन तीन खून कर दिए? देखो मैं क्या क्या देखिए सर, दया ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि आशीष तुम्हारी मदद चाहिए। फिर सर मैंने की उसकी मदद। सर दया, मैं और ध्रुव, हम तीनों पाकिया की तलाश में निकले और सर खाड़िया में वो हमें दिख गया।
फिर? और फिर एक जगह पे पकिया कहीं फंस गया, शायद बाइक पे से गिर गया। तुमने देखा? नहीं सर, मैं और ध्रुव तो पीछे पीछे भाग के आ रहे थे ना सर। अरे तो फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि पकिया बाइक पे से गिर गया, तुमने देखा नहीं? अरे क्योंकि जब हमने गोलियों की आवाज सुनी और जब हम वहां गए तो वहां पर बाइक जमीन पर गिरी हुई थी। और दया? दया वहां नहीं था सर। तो वहां पकिया की लाश पड़ी थी है ना? नहीं सर, पकिया की लाश नहीं, वहां किसी और की लाश थी। नहीं नहीं, पकिया कहां था? अरे पकिया वहां नहीं था, बल्कि सर वहां किसी और दो लोगों की लाश पड़ी है। यहीं पे गड़बड़ है सर, यहाँ पे गड़बड़ है। ये आदमी बोल रहा है दया पकिया के पीछे भागा था ना, तो पकिया को छोड़कर उसने बाकी तीन लोगों को क्यों मार दिया? अभिजीत, अब गुजरात पुलिस के एसीपी रणछोड़ राणा से मिलते हैं, वही बताएगा ये सारा चक्कर है क्या। श्रेया के दादा दादी, दादाजी उठिए, घबराइए मत, मैं इंस्पेक्टर दया सीआईडी से, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा हम तुम्हें जानते हैं, श्रेया अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करती है। आप लोग ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, हम लोग ठीक है। श्रेया कहाँ? पता नहीं बेटा, जब से ये लोग हमें यहाँ उठा कर लाए श्रेया को नहीं देखा। एक काम कीजिए, आप लोग चलिए यहाँ से, मैं आप लोगों को किसी सुरक्षित जगह पे ले चलता हूँ, मैं वापस आके श्रेया को ढूंढूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा, हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ और श्रेया को ढूंढो। नहीं, मैं आप लोगों को ऐसी जगह पे छोड़ नहीं सकता, यहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है, चलिए। आइए यहां से फोन कर। हाँ हाँ। Oh
श्रेया उठो, उठो श्रेया, 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 आप, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? सर, मैं ठीक हूँ। चलो। सर। हेलो, हाँ, अरे हाँ हाँ, ओके ओके, अच्छा जब तक मैं फोन ना करूँ आप लोग वहाँ से कहीं मत जाइएगा, ठीक है? ओके, या तुम्हारे दादाजी का फोन था, वो अपने दोस्त के घर पहुंच गए हैं, चलो। मुझे उनके बहुत फिक्र हो रहे थे सर। यहीं पे रुको, हमसे होशियारी, अब तू भी मरेगा। सीआईडी इंस्पेक्टर दया को अहमदाबाद में ऐसा क्या काम आ गया जो उसने हमें बताया नहीं और यहाँ आके खून करने लगा? वही तो, उसने हमें भी इन्फॉर्म नहीं किया। ये दया अपने आप को समझता क्या है? एक मामूली सीआईडी इंस्पेक्टर छे अहमदाबाद पुलिस नु नाम खराब करी नाख्यो, तीन तीन खून कर दिए उसने। समझ में नहीं आता दया ने ऐसा किया क्यों? इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है सर? उसने जिस आदमी का खून किया है वो कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं है, एक ऑर्डिनरी एक्टर है। नाटकों में नाना मोटा रोल करतो तो थिएटर एक्टर। हाँ, बेचारो गरीब छोकरो तो। राणा, तुम्हें हमारी मदद करजो। हाँ हाँ, मैंने पता लगा दिया वो थिएटर कहाँ है। I'm sorry, Shreya. मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले नहीं जा सकता। पता नहीं इस कांड में कौन कौन शामिल है, पर अगर इस गोली को नहीं निकाला ना तो जहर फैल जाएगा शरीर में। अब तुम्हें आराम होगा। थैंक यू सर, मैं इतना दर्द इसलिए बर्दाश्त कर पाया क्योंकि आप मेरे पास थे। तुम बहुत बहादुर हो श्रेया। एक काम करो श्रेया, तुम मेरे दोस्त आशीष के घर में आराम करो, तब तक मैं अभिजीत को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। पकिया मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, इस पकिया को ढूंढना होगा या फिर उसके साथियों को। मैं ध्यान की मारा आख्या आख्या सारी नजूर, मारा हाथ हाथ भरना आंगड़ा बेटा जो आंगड़ा भरना बेटा अंदर टुंको था तो वो लाएगू ये हमास नहीं रात होती
मैं भंडक किया माती पत्रानी बैग काढी इमा घरना ने खेतर ना जूना दस्तावेज हता नहीं मां मारा अंगूठा दी साफ औ फुल साइज नो तो ध्यान ना अंगूठा दी साफ मैं कोरा कागज पर नवी अंगूठा दी साफ पाड़ी दस्तावेज दी अंगूठा दी साफ हारे नवी साफ ने सरखावी आपको पहले कभी देखा नहीं सर सार्थक तुम्हारे इस ग्रुप में काम करता था ना हाँ सर बहुत अच्छा लड़का था सर बहुत अच्छा लड़का अच्छा एक बात बताओ कि यहाँ पर ऐसा कोई आदमी है जो सार्थक का जिगरी दोस्त था हाँ सर है ना जयग्रत ये उसका अच्छा दोस्त है सर बुलाओ उसे इधर आना क्या हुआ ये लोग सार्थक के बारे में बात कर रहे हैं तुम सार्थक के अच्छे दोस्त हैं ना जी सर देखो जगरीब हम लोग सीआईडी से हैं सार्थक के साथ क्या हुआ ये हमें ढूंढ निकालना है तुम ये बताओ कि सार्थक उस गली में पहुंच कैसे गया जहां उसकी मौत हुई थी पता नहीं सर वो वहां क्या करने गया था हम लोग तो कांकरिया गए थे हम लोग तुम साथ में थे सार्थक के जी सर तुम लोग वहां काकरिया क्या करने गए थे सर सार्थक मेरे पास आया और कहने लगा मुझे कुछ काम मिला है क्या क्या काम मिला उसे वो नहीं बताया सर अरे एक्टर को एक्टिंग के अलावा और क्या काम हो सकता है सर जिसने उसे काम दिया था उसी ने उसे काकरिया बुलाया था सर लेकिन था क्या काकरिया में मालूम नहीं सर सार्थक कहने लगा मुझे डर लग रहा है तू भी आ जा साथ में कोई खतरनाक काम था शायद से ऐसा ही होगा तो मिला वो आदमी काकरिया में हाँ सर वो आदमी वहाँ काकरिया में काम करता है क्या बोल पक्या कहाँ है बोल पक्या कौन पक्या देख मेरे सर पे खून सवार है ये ऐसा ना हो कि मेरे हाथों एक और खून हो जाए जल्दी से बता वरना पहचाने का दूंगा तेरा मुझे नहीं पता नहीं पता वहाँ सर वहाँ वो जगह सर वहाँ सर चलो दिखा यस यहाँ यहाँ सर 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 यही जगह है जहाँ पे हम दोनों रुके थे मैं और सार्थक और वहाँ वहाँ वो आदमी सामने खड़ा था सर वो वहाँ पे खड़ा था ये सर वहाँ पे वही पे क्यों खड़ा था सर हो सकता है वहाँ जो दुकानें हैं उनमें से किसी दुकान में काम करता हूँ हाँ फिर क्या हुआ फिर सर उसने इशारा किया सार्थक को बुलाया और सार्थक ने मुझे बोला तू यहीं पे रुक तो तुम यहीं पर रुके और सार्थक मिलने गया उसे वहाँ पर जी सर वो सामने बोला सर सर बोला क्या ये वही है जी सर वही है ये ए तुम रुको जरा रुको अरे ये यहाँ क्या कर रहा है तुम जानते हो इसे अरे सर ये वही आदमी है सुनो तुमसे पक्के के बारे में तुमसे बात हो रही है रुको ए गोली लगी तो नहीं किसी को किसने मारी गोली गोली किसने मारी ए! ए! क्या हुआ है किसने मारी गोली पता नहीं पता नहीं
इसे किसी ने गोली मार दी? ये क्या हो गया? देखो किसने मारी गोली, कहाँ छुप के बैठा है, देखो उसे, छोड़ना नहीं। मरने की तैयारी में है और हंस रहा है। दया कहाँ है? कहाँ है दया? दया तो गया। दया गया? कहाँ गया? पतंग में। पतंग में? मारेगा ना गोली, दिख जाएगा तो गोली मार दूंगा दया को। तो शेयर को जिंदा देखना चाहते हो तो हमें काला चमगादड़ लाकर देना होगा। कल दोपहर 3 बजे एक बैट निकलेगा। अब लगा दो तुम्हारा बाज उसके पीछे। अब देखते हैं है क्या इस बैट में। अभी लाइट ऑफ होगी। सारुंखे ड्रामा बंद कर, लाइट ऑफ होकर रहेगी। यार तुझे मुंबई से काम करने के लिए बुलाया मैंने, समझा? बैट बैट सजा गया, ये सजा गया। बैट बैट जोर से बोलो, बैट बैट। फॉरेंसिक साइंस में मंत्र घुसी गया। बैट 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 बैट, प्यार से बोलो, बैट 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 बैट। तारिका तुम भी बोलो, बैट 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 बैट। अभी लाइट ऑफ होगी। बैट 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 लाइट ऑफ। सूरज और टी? यस सर, सूरज और टी। सूरज, सन, टी, इसका मतलब क्या है? सन और टी नो मतलब सन टेंपल, मोढेरानो सन टेंपल। मोढेरानो सन टेंपल मतलब इस बैट पर लिख के किसी दूसरे तक सिग्नल पहुंचाया जा रहा था। सन टेंपल में कुछ होने वाला है। सन टेंपल, चलो। तो मुझे ये बैट चाहिए। दया? या? दया तुम क्या? हैंड्स अप दया। सर मैंने उन दोनों सीआईडी ऑफिसर्स को नहीं मारा। झूठ? झूठ नहीं सर, सच बोल रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं सोच ही रहा था कि पक्या की जगह दूसरा आदमी कहां से आ गया, तो वहां पीछे से दो लोग आए और देखो गोली चलाने की बात मत करो। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं और ये मेरा बैच है। एक मिनट, ये देखो। नकली बैच लेके घूमते हो? देख लो, खुद देख लो। पहले गन नीचे रख। एक मिनट बोला ना, गन नीचे रख। फोन दे। फोन दो। दया, अगर श्रेया को जिंदा देखना चाहते हो
तो यहाँ पर आ जाओ। फोन दे। इधर दो, फोन दो। ये फोन लो, इसमें आपके लिए मैसेज है। हमारे लिए? हाँ। फसा रहा है ये, खतरनाक है। नहीं नहीं, खुद ही देखो। गन नीचे रख। देखो तो। दो इधर दो। वो दोनों पुलिस ऑफिसर नहीं थे क्या? हाँ, मामूली सिक्योरिटी वाले थे। तो फिर उन दोनों ने झूठ क्यों बोला कि वो सीआईडी ऑफिसर्स हैं? वो छोड़ो, दूसरे आदमी को तो मारा ना। उस आदमी के शरीर में जो गोली है, अगर वो मेरी गन से चली है तो मुझे जरूर सजा दीजिए। पर अब तो मुझे लगता है कि मैंने उसे मारा ही नहीं है। तो फिर तुम्हारे ये दोस्त तुम पे गोलियां क्यों चला रहे थे? नहीं सर, वो एक्चुअली वो गोलियां सब नकली थी जी। मुझे मालूम है दया कभी गलत नहीं करेगा। सर मुझे ये बैट चाहिए, मेरे लिए ये बैट बहुत जरूरी है। सीआईडी वालों को लगता है कि भगवान ने सारी अक्ल तुम लोगों में ही बांट दी है। हे भगवान, आज मेरे हाथों से इसका खून मत करवा। कौवे की तरह श्याना है तू भी। तुझे बैट चाहिए था, तुझे बैट मिल गया। अब श्रेया को वापस लौटा दे। श्रेया को वापस कर और तू मेरा हलवा बना था। हा? तूने प्रॉमिस किया था। हाँ किया था, अभी तो उसके सिर्फ वोट ही फटे हैं, दालों पे सिर्फ कुछ निशान ही पड़े हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी उसके साथ। तूने महाभारत पढ़ा है ना? दुशासन मालूम है? जिसने द्रौपदी की साड़ी पहनी थी। हाँ, भाई तुझे पता है उसकी मौत कैसे हुई थी? नहीं नहीं, शायद भीम ने उसके दोनों टांगों को चीर के रख दिया था और आज तेरे साथ भी वही होने वाला। अगर मुझे जान से मारेगा तो तुझे श्रेया की भी लाठी मिलेगी। तू वही करेगा जो मैं तुझे कहूंगा। माय गॉड, कितना सुंदर है। जैसा सुना था उससे भी सुंदर, अति सुंदर। सर इस बैट की वजह से तीन तीन लोग मारे गए, श्रेया और उसकी फैमिली किडनैप हो गई, और अब ये बैट हमें यहां लेकर आया है सन टेंपल पे। अभिजीत, अक्खा भगत के कुएं में कुछ बैग जैसा छुपा था, शायद वो बैग यहीं कहीं छुपा है, यहीं कहीं। चलो फैल जाओ।
बैग मिल गया सर। अभिजीत बैग खोलकर देखो क्या है उसके अंदर। सर बैग तो हीरो से भरा पड़ा है। हीरे? तो फिर ये वही बैग होगी, वही बैग। पेड़ के नीचे देखो, काली शर्ट वाला, उसके बगल में भी एक जन। छोड़ो मत उसे। मत करना अभिजीत है, अभिजीत पांडू गोली चलाना बंद कर। दिवाली अभी बहुत दूर है, समझा? अभी अभी उत्तरायण खत्म हुआ है, चल पटाखे छोड़ना बंद कर। चलो छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। देखो हीरे सही सलामत है क्या? सर किसने भेजा तुझे? क्या ने? अच्छा चोर है, उसने मुझे धोखा दिया है। जब चोर चोर मौसेरे भाई, हीरे मेरे हैं, वो चुराए थे और उसने यहाँ पे छुपा दिए थे। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अच्छा हम छोड़ेंगे तब ना, अब जेल में बैठना, शायद फांसी पे ही लटकना होगा तुम्हें। अरे ये हीरे कहाँ गए? ए दया, दया रुक जा। दया, दया रुक जा, दया, दया। क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? अभिजीत मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अरे यार दया ये सब क्या है? ये हीरे लेके तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे श्रेया की जान बचानी है। अरे तो हम भी चलते हैं ना। एक सीआईडी ऑफिसर की जान हम लोग नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? अभिजीत अगर उन लोगों को पता चला कि पूरी सीआईडी टीम उनके पीछे लग गई है तो सबसे पहले श्रेया को मारेंगे। मैं बहुत टेंशन में हूँ इस बात। मैं चलता हूँ, मैं बाकी बातें सब बाद में बताऊंगा। ओके क्या देख लेते रख लो, याद रखना तेरा दोस्त हमेशा तेरे साथ है। जान दे दूंगा तेरे लिए, मैं जानता हूं तुम्हारा ही सहारा है। थैंक्स। दया को तो मैं सीआईडी में से निकाल दूंगा। इस तरह से हीरे लेकर जाना मतलब लूटने जैसा है ना? अभिजीत। ये सर इधर आ। हमने सामने बात करने में शर्म आती है, पास में खड़े हो तो फोन क्यों कर रहे हो? फोन? मैं कहाँ फोन कर रहा हूँ सर? तो फिर ये कौन? ये मेरा ही फोन है सर, लेकिन ये फोन मैंने दया को दे दिया था सर। देख मैं क्या
दया फोन कर रहा है। दया फोन कर रहा है? आओ तुम भी सुनो। देखो तुमने वो पैट मांगा, मैंने पूरी कोशिश की, अभिजीत पैट ले गया मगर फिर भी मैंने उसे छीन लिया। तुम्हें हीरे चाहिए थे, हीरे लेके आ गया हूँ, अब श्रेया को छोड़ दो। ठीक है, दो घंटे बाद साबरमती के किनारे मिलना। दो घंटे बाद साबरमती? यार दसवीं पास थी जाता तुम्हारी इज्जत बची जाती। तेरा काका ने मामा जो के मैं इंजीनियर ने डॉक्टर बनी ने अमेरिका चली गई, ये तो तू गधेड़ो। तो उसमें क्या है? अमेरिका तुम्हें तीन तीन बार गया हूं ना, तीन तीन बार। अरे ताई तो वोटिंग 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 बताओ। बेगम साहिबा, भागम भाग पे एक शेर है, अर्ज किया है, लोग यूं ही बेजार हुए नजर आते हैं, बाप बेटे पे डंडा लिए भागे जाते हैं, नदी में नावें चल रही हैं मगर बेगम हम पे और हम बेगम पे कुर्बान हुए जाते हैं। वो बाप नहीं है, दादा है। ये हमें कदम कदम पे गलत फहमी क्यों आती रहती है? सर आपके लिए एक शेर है, अर्ज किया है। अभिजीत बोर ना कर तो काम नहीं बात कर। अरे सर ये इंफॉर्मेशन वाला शेर है। हम किनारे किनारे चिपके हुए थे, लोग बोट के आसपास जमे हुए थे, जिनको ढूंढ रही थी हमारी निगाहें वो सीढ़ियों के ऊपर से निकल रहे थे। क्या दयावी? क्यों? ठीक फरमाया सर आपने, हम बेगम को जरा बोटिंग करा के लाते हैं सर। दया टेंशन में है। हिम्मत तो देखो, खुले आम बदमाशी, सीआईडी का कोई डर नहीं। आइए आइए बोटिंग कर लेते हैं। देखिए बोट वाले भाई साहब, जरा संभाल के चलाइएगा, फूल सी बेगम है, अगर ये मुस्कुरा दे तो हमें इनके कदमों में पाइएगा। शेर, तुम ठीक हो? शेर, शेर, नहीं, वापस जाओ। पहले मेरा माल दो। शेर, पहले मेरा माल दो। एक मिनट। ये लो, पहले शेर। अरे पहले मेरा माल दो कहो ना। नहीं। इधर से आको। शेर। ये क्या है सर? एक मिनट, एक मिनट। भाई साहब सामने देखो, खतरा है। वो जो बोट दिख रही है ना, उसका पीछा करना है। सर श्रेया को बचा लिया। हाँ श्रेया तो बच गई। श्रेया, तुम श्रेया को लेकर जाओ, मैं देखता हूँ इनको। ठीक है। शाबाश अभिजीत, अब देखो क्या हालत करेगा ये। छोड़ो मत।
मोटर में गोली मार दी लोगों ने। निकल गया। क्रूर लोग है सर, तीन चार दिन से इसे खाने को तक नहीं दिया, पत्थर दिल है सर। ठीक है दया, एक सीआईडी ऑफिसर की जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आती रहती। सर श्रेया मरने वाली थी, किस्मत से बची है, आपको इसका कुछ? दया, एसीपी साहब कह रहे हैं कि इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है यार। हम लोगों को भी अफसोस हो रहा है कि श्रेया को तड़पाया गया। ये बात एसीपी साहब ने कहा बोली? यार मेरे कहने का मतलब अभी है, देखो दया, मेरे कहने का मतलब ये है कि श्रेया एक सीआईडी ऑफिसर है, ये बात उन लोगों को मालूम थी, फिर भी उन लोगों ने इसे किडनैप किया, तड़पाया। कानून क्या होता है ये सबक मैं इन लोगों को सिखाऊंगा। मैं शेफ, तीन चार दिन तुम वहां पर थी, तो इन तीन चार दिनों में क्या उन लोगों ने तुम्हारे सामने कुछ बातें की? हाँ सर, कभी कभी। कोई काम की बात की? उन गुंडों में से एक किसी रेस्टोरेंट में काम करता। शेफ तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उस रेस्टोरेंट से उसे उठाके ये यही बात कितनी बार कहा है तुम्हें, ठंडे दिमाग से काम लेना सीखो। श्रेया कौन सा रेस्टोरेंट है? सर वो शिवरंजनी फ्लाईओवर के नीचे किसी रेस्टोरेंट में। शिवरंजनी फ्लाईओवर, कहाँ पर हो तुम? सर मैं यहाँ हूँ सर, आपके बाई तरफ शॉपिंग मॉल के सेकंड फ्लोर में हूँ सर। वो रेस्टोरेंट वहाँ नीचे राइट साइड पे है सर। अभिजीत कहाँ है? अभिजीत सर मैं यहाँ पे। सर मैं दो तीन चक्कर लगा चुका हूँ इस रेस्टोरेंट के, मगर वो आया नहीं अभी तक सर, दिखाई नहीं पड़ा। तो अभिजीत रेस्टोरेंट में पूछा नहीं? नहीं नहीं सर, मैंने पूछा, मैंने घुमा फिरा के पूछा, नहीं तो शक हो जाता। मैनेजर से बात हुई थी, रात को एक आदमी ड्यूटी पे आने वाला, शायद वही हो। अरे यार दया यार, तुम तो दूर ही रहना यार। अरे यार अभिजीत, मेरे हाथों में खुजली हो रही है और तुम दूर रहने की बात कर रहे हो। दया कम से कम इसे तो सही सलामत हमारे हाथ में आने दो, समझे? जी सर। हाँ आया सर, आया आया सर। ये वही आदमी है जिसके बारे में श्रेया ने बताया। होटल की तरफ जा रहा है सर। हाँ दिख रहा है। अभी ये ऐसा घेरा लगा कि भागम भाग ज्यादा ना हो। नहीं 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 सर, मैं बिल्कुल आराम से पकड़ूंगा सर, टेंशन नहीं सर। निकला सर, निकला। हाँ देख रहा हूँ मैं। हाँ हाँ रोड क्रॉस कर रहा है वो। क्या बात है, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। अभिजीत ये मेरा शिकार है। लड़की के ऊपर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? हाँ काट दूंगा जमीन पे तेरे को।
मुझे जो कहा था मैंने वही किया है। शेयर को किडनैप क्यों किया तुमने? क्योंकि उसने देख लिया था। क्या देख लिया? वो आखा भगत के फोन में कुछ देख लिया था। क्या देख लिया था? वो मालूम नहीं, लेकिन जो देखा था वो कल ले जा रहे। कहाँ लेके जा रहे? पर स्टेडियम तो पूरा खाली लग रहा है, यहां पर तो कोई भी नहीं है। भाई साहब एक मिनट। आ गया सर, आपके पास आ गया। आया था क्या? नहीं पर मुझे तो यहां पर बुलाया था। ठंड बहुत है, चिड़ियों की आवाज सुनो। ये क्या माजरा है? हीरो का ड्रामा लंबा ही चलता है प्रद्युमन साहब। यहां पर तो एक भी नहीं है। चीटियों से बातें करो। मैंने आपसे पूछा यहाँ पर कोई आया था क्या, तो आप मुझसे कह रहे कि मैं चीटियों से बातें करूं। कैसे करूं? अपना मुंह जमीन पे रख दो। चुपचाप ये बैग नीचे रखो, चीटियों का हेलो करो और निकल जाओ। अरे अरे बहुत आप
और ये चश्मा, ये टोपी, ये सब क्या? मेरे आदमियों ने हीरे लूटे थे, पर वहां में पुलिस की नाकाबंदी लगी हुई थी, तो वो हीरे अखा भगत वाले कुएं में छिपाने पड़े। श्रेया के दादाजी ने छिपाते हुए देख लिया था। अबे श्रेया को क्यों किडनैप किया तूने? मुझे बाद में पता चला कि ये एक सीआईडी ऑफिसर, इसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। तो फिर दया यहाँ पे आ गया? इसने तो मुसीबत ही खड़ी कर दी। तो फंसा दिया इसे, सार्थक के खून में दया को फंसा दिया तूने? वो सार्थक को बोला कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, हेलमेट पहन के बाइक में बैठ जाओ सब। देखा, देखा कितना बदमाश है ये, एक मासूम नौजवान को मरवा दिया तुमने। मालूम है क्या होने वाला है तुम्हारे साथ? फांसी पर लटकोगे तुम, और जब फांसी पर लटकता है ना तो आदमी की गर्दन लंबी हो जाती है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। तीन तीन लोगों का खून करवाया तुमने, समझे? वो दोनों नकली सीआईडी ऑफिसर्स, उनको किसने मारा? वो पके ने मारा। वो छुपा हुआ था वहां पे, दया, इतना गिरा हुआ इंसान तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया? ये तो गंदे नाले के कीड़े से भी बदतर है। तो जिंदगी में किसी ना किसी पे तो विश्वास करना ही पड़ता है। अगर हम हर किसी पे शक करने लगेंगे तो एक सीआईडी ऑफिसर की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। दया बिल्कुल सही कह रहा है। ये बात है, जैसे हमारे एसीपी साहब चित्रोले साहब के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन चित्रोले साहब जो है यार चित्रोले को क्यों ला रहे हो? नहीं सर, मैं तो फिलॉसफी झाड़ रहा हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।